परंपरागत कलश स्वीट की सही रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए आज हम बनाएंगे बादाम केसर बर्फी या बादाम केसर कतली। कैसे घर में बनाई जाती है झटपट। सर्दी के दिन हैं दोस्तों और बच्चे अक्सर आनाकानी करते हैं कि बादाम नहीं खाने ये नहीं खाने, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और इतनी यमी बर्फी बनेगी और बच्चे इसी रूप में बादाम का सेवन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है और किस तरह से ये बनाई जाती है। देखिए सबसे पहले मैंने ये हाफ बाल बादाम लिए हैं जो ओवरनाइट सोक किए हुए हैं पानी में और छिलकर मैंने इनका छिलका उतार लिया है और अलग रख लिए हैं। ये आधा कटोरी ही जितने बादाम हैं उतनी कटोरी मैंने चीनी लेके मिक्सी में पीस के रख ली है। ये आधा कटोरी मैंने ये दूध लिया है, 2 चम्मच घी लिया है और ये है हमारा केसर वाला दूध। इसमें मैंने 8-10 केसर की पत्तियाँ डाल के धागे डाल के दूध में रख दिए थे, जिसका देखिए कलर अच्छा सा आ गया है येलो कलर। और चलिए हम इसकी बर्फी बनाते हैं। बस इतने से ही सामान से ये बर्फी किस तरह से झटपट बनती है आइए देखते हैं। ये जो मैंने बादाम लिए हैं और आप अगर बादाम ओवरनाइट सोक करना भूल गए हैं तो इन्हें बॉइल भी कर सकते हैं और 1 घंटे बॉइल करने के बाद छील लीजिए और पानी में सोक करके रख दीजिए 1 घंटे के लिए, उसके बाद पीसेंगे। इसमें मैंने ये बादाम ले लिए हैं और उसके बाद मैं ये केसर वाला दूध लूँगी इसी में। और जो मैंने ये हाफ बाउल दूध लिया है, अगर आप दूध ना लें पानी भी मिला के एकदम बारीक पेस्ट बनाना है हमें। तो चलिए इसको पीसती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ कि आप कैसे बनता है ये पेस्ट। देखिए ये मिक्सी में मैंने पेस्ट बना लिया है, देखो इस तरह से ये बन गया है। देखिए गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई रखते हैं अपना बर्तन पैन। इसमें मैं 1 चम्मच पहले घी डालूंगी। गैस को बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे। अब मैं इसमें ये पेस्ट डालती हूँ और इसी के साथ मैं ये पिसी हुई चीनी भी डाल देती हूँ। अब हम इसे लगातार चलाएंगे, तले से लगाते हुए हमको चलाना है। देखिए केसर का कितना प्यारा पीला कलर आ रहा है इसमें। बादाम किस्म केसर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, प्रोटीन कैल्शियम और पोटेशियम आदि होता है जो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है बच्चों के लिए बड़ों के लिए। देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर थिक होने लगा है। जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ने लगे यानी कि पैन नहीं छोड़ने लगे ये, और जब तक लिपटेमा सा हो जाएगी जब तक हमें लगातार जैसे ही चलाना है। देखिए बादाम केसर बर्फी है तो केसर का रंग अलग ही दिख रहा है इसमें, कितना प्यारा सा आ रहा है। देखिए अभी काफ़ी गाढ़ा होने लगा है लेकिन अभी पूरी इसकी जो बर्फी जमने की स्टेज है वो नहीं आई है। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक बर्फी है सर्दियों के लिए। ये काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है। इसको एक बूंद को ड्रॉप को निकालती हूँ मैं और इसे लगाकर चलाते रहना जब थोड़ा ठंडा होने देते हैं। लगभग तैयार है अभी, देखो ये गोली बनने लगी तो इसका मतलब बैटर हमारा तैयार सा हो गया है पूरी तरह। ये हमारा पेस्ट बिल्कुल बर्फी बनने के लिए तैयार है केसर पर बादाम केसर बर्फी। अब मैं इसे घी लगे प्लेट पर निकाल लूँगी ज़रा और बिल्कुल ठंडा होने देंगे इसको हम। इस तरह से पूरा बैटर निकाल लूँगी मैं। देखिए ये मैंने पूरा बैटर इसका निकाल लिया है बर्फी का और देखिए कितना डाइल्यूट लग रहा था। अब इसको मैं इस तरह से करेंगे, ज़रा ठंडा होने देते हैं जिससे ये इस तरह से पलट पलट के जिससे ये ठंडा हो जाए और इस पर हम हाथ पे गोला बनाएंगे। मैंने एक बटर पेपर लिया है उस पर घी लगा लिया है और ये एक मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है और ये स्केल लिया है। पहले इसका पेड़ा बनाते हैं हम इसको। देखिए हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ जिससे ये स्मूथ हो जाएगा और इस तरह से करना है हमें और इस पर रखते हैं और हाथ से ही थोड़ा देर अभी मैं इसे करती हूँ और धीरे हाथ से धीरे से सॉफ्टली हाथ से उठाइएगा नहीं तो ये
क्रैक्स आ जाएंगे बर्फ़ी में। देखिए ये पूरी तरह से बिल गया। अब मैं 2 मिनट इसको रेस्ट होने दूंगी ऐसे। देखिए पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से आप घुमाते हुए बिल्कुल दूसरा करेंगे हम, और ये देखिए ये घूमता जाता है धीरे से, और सटाते हुए बिल्कुल काटना है, थोड़ा प्रेस करना है क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होने का डर नहीं रहता। बिल्कुल एक ही साइज़ की एक सी बर्फ़ी आएंगी, बिल्कुल बाजार की तरह, जब तक बैटर ठंडा भी हो लेगा। थोड़ा ध्यान से चलाइए कि उंगली वगैरह के ऊपर नहीं आ जाए। अब मैं इसकी इधर से बर्फ़ी काटूंगी। देखिए इसकी शेप ऐसी आएगी, बहुत ही इजीली कट जाती है इससे बर्फ़ी। कट लगाते जाइए, बहुत ही अच्छी शेप में कटेंगी हमारी ये बर्फ़ी। देखिए अब पूरी बर्फियों पर कट लग चुका है। अब मैं इसे प्लेट पर रखती हूँ और एक एक बर्फ़ी को हम हटाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए कितनी प्यारी बर्फ़ी आई है एकदम। अभी मैं पहले इन्हें अलग करती हूँ, फिर प्लेट में निकालूँगी। धीरे आहिस्ता बहुत फास्ट से आप निकालिएगा। मैं सारी बर्फियों को अलग कर लूँ, फिर डेकोरेट करके बताऊँगी आपको। और इनको करीब 15-20 दिन महीने भर तक फ्रीज में स्टोर करके भी खा सकते हैं, लेकिन एयर टाइट कंटेनर हो जाएंगे। देखिए कितनी अच्छे से निकल के आ रही हैं। बर्फ़ी हमारी तैयार है और मैंने उन्हें प्लेट में निकाल के डेकोरेट किया है, और ये इस तरह से, और फिर मैंने ये केसर के जो धागे हैं उनसे गार्निश कर दिया है इनको। देखिए कितनी सुंदर डिलीशियस लग रहा है, फटाफट खाएं और ख़त्म करें। स्वादिष्ट मज़ेदार एकदम बादाम केसर बर्फ़ी तैयार है। देखिए दोस्तों आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली डिश के साथ फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।